हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ फजल फ्रॉम फजल मेडिकेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर एंड्रॉयड ऐप्स को कैसे रन कर सकते हैं, वो भी ब्लू स्टैक एमुलेटर के ज़रिए। दोस्तों, आज से कुछ देर पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड की थी, जिसका आपको थंबनेल स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप ब्लू स्टैक 5 को जो ईजी आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, उधर जाकर उसको आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो आप इस वीडियो को देख कंप्लीट जो स्टेप आपने फॉलो करना है, और ब्लू स्टार 5 को जो है आपने अपने पीसी के अंदर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, पीसी इंस्टॉल होने के बाद जो है वो आपने जो ये जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपने जो ब्लू स्टार ओपन की डाउनलोड किया होगा, उसको आपने ओपन करना है। जी दोस्तों, ये देखिए आपके सामने जो कुछ लोडिंग लेयर है और ये ओपन होना शुरू हो गया। अभी आ गया स्टार्टिंग ब्लू ब्लू स्टैक, प्लीज़ वेट। जी दोस्तों, ये ब्लू स्टैक 5 जी अब ये वो ओपन हो रहा है। दोस्तों, ये आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर के अंदर जब ओपन होता है। जी दोस्तों, ये देखें, ये जो अभी जो इसका जो रोल है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपके सामने जो है इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो है ये प्ले स्टोर, और सेकेंड जो है वो ऐप सेंटर और मोर, उसके बाद जो है फन, एंड उसके बाद जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिखाए हुए हैं। और नीचे जो है ये नीचे की तरफ जो है गेम्स हैं, तकरीबन 4-5 जो है गेम्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर का बताता हूँ, तो आपने क्या करना है जी, प्ले स्टोर को ओपन करना है और इधर साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जी दोस्तों, साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने जैसे मोबाइल के अंदर इंटरफेस आता है वैसे ही आएगा चेकिंग इन्फो का। जी दोस्तों, चेकिंग इन्फो जो है वो कुछ देर लेगी, उसके बाद जो आपके सामने जो है इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जी, गूगल साइन इन विद योर गूगल अकाउंट, ठीक है। और इधर जो आपसे जो अपनी जीमेल जो है वो मांगेगा, इधर आपने जो अपनी जीमेल की जो आईडी है उसको आपने लगा देना है। जी दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है, तो अभी ये देखेंगे मैंने इधर जो अपनी जीमेल जो टाइप कर दिया। और जैसे ही दोस्तों आप जब जीमेल टाइप करेंगे, तो आपने सिंपल जो अपना मोबाइल वाला स्टेप भी फॉलो करना है। जैसे हम गूगल अकाउंट को साइन इन करते हैं, तो गूगल अकाउंट को जो है लिखने के बाद डायरेक्ट जो हमने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, ये देखें मैंने जो है नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये देखें आगे ये हमसे जो है पासवर्ड की डिमांड करेगा, जो हमारे जीमेल अकाउंट का होगा। दोस्तों, अभी जो है वो ये कुछ लोडिंग ले रहा है इंटरनेट की वजह से, देखिए अब इधर जो है ये पासवर्ड मांग रहा है, तो इधर मैं जो अपना पासवर्ड टाइप करने लगाऊँ। जी दोस्तों, ये देखें इधर मैंने जो अपना पासवर्ड वगैरह जो है वो टाइप कर दिया है। अभी वो कह रहा है जी रॉन्ग, गलती से गलत लग गया, मैंने सही लगाया। और ये देखें अभी ओके भी हो गया। जी दोस्तों, इस तरह से आपके सामने जो इंटरफेस आ जाएगा, आपने जो यस आई एम इन के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ये स्टेप जो कंप्लीट होगा, ये अगर ऊपर क्लिक करना है, और ये देखें ये आगे जी गेटिंग अकाउंट इन्फो, ठीक है। ये होने के बाद अब देखें जी गूगल सर्विसेज आ गया, और अब ये जो हमारा इधर जो आ गया बैकअप वाला, बैकअप को हमने ऑफ करना है और मोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो स्टेप के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद ये देखें हमारा जो प्ले स्टोर है वो ओपन हो गया। जी दोस्तों, ये देखें हमारे सामने जो ऐप्स वगैरह आ गई हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है, टिकटॉक, इस तरह से जो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे सामने ऐप्स आ गई हैं। और ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरह जो सर्च बार भी, आप गेम्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये गेम्स भी जो फॉर यू के ऊपर हैं वो सबसे पहले जो शो करवाएगा। जो देखें 200 सबवे सर्फर्स और एक्सट्रीम, और ये शेडो फाइट वाला यू है, इस तरह से आपके सामने देखें गेम्स भी आ गई हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, वीडियो को लाइक करें। जी दोस्तों, ये देखें ये जो है इस तरह से इसका जो ऐप्स वाले सेक्शन के ऊपर दोबारा आ गए हैं। इसको दोस्तों ये इसका जो स्क्रीन साइज़ है, आप इसको लार्ज भी कर सकते हैं और इसको स्मॉल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं इसको जो थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, और इधर जो है अब आपने क्या करना है, इधर आपने सर्च करना है सिंपल जो जिस भी ऐप को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपने जो सर्च बार के अंदर जो उसका नेम। लेकिन अभी मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि जो हम इधर से जो ऐप को डाउनलोड करते हैं, क्या वो वर्क करती है हमारे पीसी के अंदर या नहीं। दोस्तों, सिंपल जो इधर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ जी, गेम को सर्च कर लेता हूँ जी। दोस्तों, ये देखें मैंने जो इधर टाइप करना शुरू किया है जी। गेम, ये देखिए गेम टाइप किया और इंटर के ऊपर प्रेस किया। अभी गेम के बाद ये देखिए इस तरह से हमारे सामने जो काफ़ी ज़्यादा गेम्स आ गई हैं, और ये देखिए 135 MB की, 45 MB की है। अभी जो मैं छोटी सी जो है वो स्मॉल जो आपके लिए ढूंढता हूँ, जो कि जल्दी से जल्दी इंस्टॉल हो जाए।
ये दोस्तों अभी जो अभी लिख लेते हैं जी, कार गेम, CAR कार और स्पेस देकर गेम, एंटर के ऊपर प्रेस करते हैं। ये दोस्तों इस तरह से आपके सामने ये देखें जी, डी आर ड्राइविंग 2, एक्सट्रीम कार ड्राइविंग डायरेक्टर, ठीक है, रेसिंग इन कार, ट्रैफिक, ठीक है, डी आर ड्राइविंग। ये दोस्तों ये जो डी आर ड्राइविंग है जो कुछ 12 MB भी का, तो इसको जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये दोस्तों इंस्टॉल के ऊपर जो इधर जो सिंपल आपने जो क्लिक करना है, और ये इसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें जी, अभी कुछ ये जो चीज़ फेसेस है वो हो गई है, ठीक है। अभी ये देखें तो कुछ देर तो वेट जो करते हैं जी दोस्तों, ये देखें हमारे पास जो है वो डी आर ड्राइविंग जो हमारे डाउनलोड हो गई है। और अब अभी हम इधर से भी प्ले के ऊपर क्लिक करके इसको प्ले कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम ये देखें जी, ऊपर की तरफ इन्होंने कार बनाए हुए हैं बैक जाने के लिए, उधर से हम बैक भी जा सकते हैं, देखें इस तरह से। अब ये दोस्तों हम देखें मेन स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, और ये डी आर ड्राइविंग जो है गेम है। इधर आपने क्या करना है जी, इटलेटर के ऊपर क्लिक कर देना, और ये देखें जी हमारे सामने जो हमारी गेम है वो ओपन हो गई है, स्टूडियो ओपन वालों की ये जो गेम है। और ये देखेंगे प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये भी जो है ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है, चलना शुरू हो गई है। दोस्तों ये कीज़ भी उन्होंने बताई हैं कि जिनके ज़रिए आप जो है इसको पीसी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी देखें, ये अभी मैंने रिवर्स के अंदर लगाई हुई है, न्यूट्रल के अंदर है अभी। और ये आप देख सकते हैं जो नीचे ड्राइविंग वाला मोड है ऊपर की तरफ पार्किंग का है। दोस्तों अभी जो ड्राइविंग मोड के अंदर कन्वर्ट करके इसको जो हम थोड़ा सा मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। दोस्तों ये इन्होंने कीज़ जो दी हुई है, आप इनको फॉलो करके आज के ज़रिए जो है उसके जो रेस वगैरह उसको चेक कर सकते हैं, और कंट्रोल के भी उन्होंने ऊपर जो कीज़ लिखी हुई हैं इनके ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए इस तरह से जो गेम जो हमारी जो वर्क कर रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और काफ़ी ग्राफिक क्वालिटी भी आप इसके देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छा दोस्तों ये देखिए इधर जो है इन्होंने बताया हुआ जी, आप जो ऐप्स को जो है इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पीसी के अंदर कोई डाउनलोड ऐप पड़ी हो तो आप उसको ये प्लस वाले सेक्शन को क्लिक करके इसको जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।